हेलो एवरीवन, आज हम लहासा की ओर पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और लिखा है श्री राहुल शंकरदयन जी ने। यह अंश जो है उनकी पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, यानी भारत के लोग तिब्बत नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म वेश किसे कहते हैं? छुपा हुआ वेश, यानी छुप करके किसी वेश को धारण करना। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है। दुर्गम रास्ता किसे कहते हैं? जहाँ पर जाना कठिन होता है, और उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में इसे किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी कि पहले फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था तो तिब्बत जाने के लिए हमें नेपाल होकर के जाना पड़ता था। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। व्यापारिक रास्ता किसे कहते हैं? जिससे सामान ढोया जाता है, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। यानी कि सैनिक रास्ता होने के कारण वहां पर काफ़ी सारे किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी चीनी सेना वहाँ पर रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है। परित्यक्त यानी सूना पड़ा हुआ कोई किला है। हम वहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हो। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। आप चाय दे करके चाय बनवा लीजिए और वह आपके लिए उसे बनाकर दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार होने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। चाय में बाद में नमक और मक्खन डाला जाता है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होता है? राहदारी होता है एक तरह का टैक्स। हमने वहाँ दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उस दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। कह रहा है कि हम भिखमंगे के रूप में थे, लेकिन हमें रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर के आए थे। लेखक की यह दोबारा सेकंड यात्रा है, तो वह 5 साल पहले भी यहाँ गया था, लेकिन तब भिखारी बन करके नहीं गया था, तब अच्छे से भद्र वेश में यानी सुंदर कपड़ों में गया था। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी, और हम गाँव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रखते हैं। छंग पीकर यानी शराब की तरह का एक पेय पदार्थ होता है, जिसे पीकर के लोग होश हवास खो देते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। एक गांव है जो सबसे कठिन है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। ऊंची पहाड़ी को डांडे कहा जाता है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता है। काफ़ी दूर तक कोई भी गांव वहां पर नहीं पाया जाता है, इसलिए सुनसान जगह होती हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देख सकते हो। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, यानी वहां पर डाकू रहा करते हैं।
तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि स्थान निर्जन है इसलिए कोई गवाह भी नहीं मिलता है। इसलिए अगर सुनसान जगह में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस पर कोई भी इतनी कार्रवाई या ध्यान नहीं दिया जाता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, यानी मारा पहले जाता है, पैसे बाद में देखे जाते हैं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। कोई भी कानून नहीं है हथियार रखने के लिए, इसलिए आम तौर पर पिस्तौल और बंदूक लिए लोग इसी तरह से रहते हैं, चलते रहते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। यदि व्यक्ति को जान से ना मारे तो वो खुद उन्हें खतरा रहता है, इसलिए वो पहले जान से मार देते हैं लोगों को। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, कह रहा है कि हम भिखारी के वेश में थे इसलिए हमें इतनी परवाह नहीं थी कि कोई लूटने के लिए हमें मारेगा। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। जब उन्हें लगता कि कोई लूटने आ रहा है तो वो क्या करते, दया दया करके भिखारी बन जाते और भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। 16-17 मील यानी 16-17 किलोमीटर। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। घोड़ों पर बैठ करके हम सामान भी ले चलेंगे और अपन खुद भी चल पड़ेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट ऊँचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे की देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों के झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं। शायद 2-1 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोकिन कोस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। बहुत सारे बच्चों ने थुक्पा का प्रश्न किया है तो यह एक तरह का सूप होता है जिसमें मैगी की तरह का कुछ मिला हुआ होता है, तो यह सूप होता है नॉर्मल अगर सिंपल भाषा की बात करें तो। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू का मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। तिंगरी समाधि गिरी किसका नाम है? पहाड़ी का। आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान यानी जिनके घर में वह अपने जो यजमान होते हैं, जिसके घर पे वह रुकता है, ठहरता है। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे।
यानी कपड़ों को फाड़ करके ताबीज बनाया जाता था, वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। सुमति अपने यजमान के पास जाना चाहता था। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो सुमति ने स्वीकार कर लिया, मान गया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया किसे कहते हैं? भार ढोने वाले को। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल सकते हो। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। मठ होता है एक तरह का मंदिर। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार यानी जिनको पैसे ना देने पड़े। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। भिक्षु यानी यहाँ पर साधु जो होता है, भिक्षु होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे, यानी बहुत ही शालीन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष कुछ ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोतियाँ रखी हुई थी और मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई बुक्स थी। एक एक पोथी 15 शेर से कम नहीं थी, यानी कि हर पोथी का वजन कितना था? लगभग 15 किलो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी मैं इन पुस्तकों को पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मैंने सोचा कि चला जाएगा तो बुक पढ़ लेंगे। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद आ गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यहां पर आप ये सभी प्रश्न जो हैं इनके उत्तर, इस पाठ में सभी का उत्तर आपको मिला है। यहां से देख करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।